नमस्ते दोस्तों, ये मैंने खट्टी मीठी खीर बनाई है। ये प्लेन बचे हुए राइस जो होते हैं हमारे नमकीन, उससे मैंने बनाई है। जो नमक वाले राइस होते हैं उसको कैसे खट्टा करना है उसका ही तरीका मैंने बताया है। चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। जितने चावल हो उतना ही पानी ले पकाने के लिए। चावल को वापस एक उबाल आने पे उतनी ही शक्कर डाले जितने चावल थे। मीडियम फ्लेम पे पकाए और इलायची और केसर डाल ले। ये 2 चम्मच मैंने पाउडर लिया है, मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर और किशमिश और दूध हम चूल्हे पे से उतार लेंगे। चावल को उसके बाद ही डालना है। तीनों को चूल्हे पे से उतार ले चावल को, फिर तीनों चीज डाले और नीचे ही हिला के अच्छे से, फिर उसे चूल्हे पे वापस से हम पकाएंगे। ये एक उबाल आ जाए तब तक उसे पकाना है अच्छे से। एक उबाल आने पे बंद करना है, थोड़ा ठंडा होने देना है। थोड़ा ठंडा हो जाए फिर उसके बाद हम इसको मिक्स करेंगे। ये देखिए मैंने मिक्स कर लिया है इसे मिक्सर ग्राइंडर में, और फिर ठंडी होने के लिए मटकी में रखा है। किशमिश ऐड करने से इसका जो खारापन है वो दूर हो जाता है, इसीलिए मैंने इसमें किशमिश ऐड की थी, हमारी खट्टी मीठी खीर।